हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर में जो तेजी है उसके बाद कौन से स्टॉक में तेजी आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। तो देखो, ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, फोकस करना। G20 में हुआ क्या था, क्या G20 मतलब बोलते ना कौन सी चिड़िया का नाम है G20, वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने की जरूर कोशिश करेंगे, तो वीडियो अंत तक देखना। और हाँ, मैं आपको एक लॉजिक भी बताऊंगा जो आपको स्टॉक को ट्रेस करने में, ठीक है, पिक करने में फ्यूचर में आपको काम आ सकता है। ठीक है, देखो फिर कोई डाउट रहता है डेफिनेटली कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब देखो, आप सभी को पता है कि G20 मीट चल रही है इंडिया में, ठीक है, और यहाँ पे सभी के ग्लोबल लीडर्स यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दिए। सभी एक, आप देख सकते हैं, एक ही छत के नीचे ग्लोबल लीडर्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं। अब क्वेश्चन है कि सर ये G20 पहले है क्या, मुझे समझाओ। देखो, जिनको पता है भाई, आप एक या दो मिनट का पोर्शन स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं पता सिर्फ देख लो कि करीब करीब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 19 सोवरेन कंट्रीज के यहाँ पे मेन लीडर्स इंक्लूडिंग अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं और डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज वगैरह यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यानी कि मोटा मोटा आप ये समझो कि जैसे कि रशिया यूक्रेन की वार हुई थी, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई ये पूरा राजाशाही है कि भाई एक देश दूसरे देश पे लड़ाई करेगा, फाइटिंग करेगा, ऐसा कुछ नहीं। पूरा वर्ल्ड को कैसे चलाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे कंटिन्यू रखनी है, भाईचारा कैसे बढ़ाया जाए, हर एक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती है। ठीक है भाई, ये देश को क्या प्रॉब्लम है, आपको हमसे क्या चाहिए वगैरह वगैरह, वो सभी चीज़ें डिस्कस होता है। यानी कि ग्लोबली इकोनॉमिकली सभी लोग साथ में मिलके ग्रो होना चाहते हैं, तो ये होता है G20 मीट का मेन मुद्दा कि यहाँ पे हम लोग ग्रो कैसे करें, आपको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, वो सभी चीज़ें हम लोग मेजर इश्यूज डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पे G20। ओके, यानी बहुत सारे यहाँ पे बोल सकते कंट्रीज यहाँ पे इनके मेन लीडर्स मिलते हुए दिखाई दे पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कशन। अब आता है कि सर यहाँ पे हाईलाइट क्या है, फर्स्ट डे को क्या डिस्कस हुआ, कौन कौन सा स्टॉक में रडार रखना चाहिए, कौन सा स्टॉक में मोमेंटम आ सकती है। देखो यहाँ पे समझो, जो पहले मेन मुद्दा आता है वो यहाँ पे सबसे पहला फोकस किया जा रहा है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का। ठीक है, माना जा रहा है कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और कार्बन इमिशन को यहाँ पे नेट जीरो करने वाले बाय 2050, और रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादातर वो लोग फोकस करने वाले, इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, 2 या 3 गुना यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो जितने भी ये जो स्टॉक्स होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, यानी कि आप बोल सकते हैं अदानी ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन पे फोकस कर रहा है, ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रहा है, तो आपको जो पर्टिकुलर ग्रुप के स्टॉक्स है, ठीक है, उनको ज़्यादा रडार पे रखना चाहिए। अब देखो, ऐसा मैं वापस बोलना चाहूँगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये लोग ग्रीन एनर्जी पे फोकस करें, हाइड्रोजन पे फोकस करें, तो आपको डायरेक्ट जाके कूद के अदानी ग्रीन ले लेना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, स्टॉक को देखो पहले, बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे, क्या स्टॉक में मोमेंटम आ रही है, समझ रहे हो ना। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल देखो, मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, मान लो रेलवे स्टॉक्स होते हैं, तो रेलवे स्टॉक्स में कौन सा नामचीन स्टॉक है, तो के RVNL है। ठीक है, अब रेलवे में यहां पे बहुत सारे करार होते हैं, तो स्टॉक की मोमेंटम देखो। सी, जैसे कि रेलवे स्टॉक्स में डेली चार्ट अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हुए हैं। 2 दिन में स्टॉक में कितनी बड़ी मोमेंटम आई, वॉल्यूम्स के साथ मोमेंटम आई। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि स्टॉक पहले मोमेंटम नहीं किया, अभी मोमेंटम किया, यानी कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री यहाँ पे हुई है। अब देखो, बड़े प्लेयर्स, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि 2% के लिए एंट्री नहीं करते, 5% के लिए नहीं करते, और ना ही यहाँ पे भाई 2 दिन के अंदर थक जाते हैं रिटेल निवेशक की तरह कि भाई 2 दिन हो गए स्टॉक मूव नहीं कर रहा सर, मैं तो यहाँ पे मैं निकल जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। तो आप देखोगे स्टॉक में बड़े प्लेयर्स ने 80 रुपीज के आसपास एंट्री की, किसी ने यहाँ पे वापस 100 के आसपास एंट्री की, और अभी ये स्टॉक 165 पे ट्रेड करता है। तो क्या ये 2% की मोमेंटम है, नहीं, समझ रहे हो। तो अगर रिटेल निवेशक पूछते, आप मेंबर्स ध्यान से सुना, ऐसा वीडियो मार्केट में नहीं मिलता। ठीक है, आप बोलते कि सर 2 दिन में तो भाग गया ना, डेफिनेटली यही क्वेश्चन आता है कि सर 2 दिन में भाग गया, अब क्या एंट्री करके करो। नहीं भाई, बड़े प्लेयर्स यहीं पे घुसे हैं। ठीक है, तो इतना पकड़ के चलना कि अगर स्टॉक साइडवेज होता है, वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में एंट्री आती है, तो बेसिक प्रॉफिट बुकिंग आती है, बस उतना ही फिर स्टॉक में मोमेंटम आनी स्टार्ट होती है। आई बात समझ में? तो आपको ऐसे बहुत सारे रेलवे मिलेंगे। तो अगर कोई डिस्कशन आता है कि सर अदानी ग्रुप में एंट्री कर लूं, फलाने में एंट्री कर लूं, DK एंट्री कर लूं, नहीं, पहले चेक करो कि क्या वॉल्यूम्स आ रहे हैं, क्या मोमेंटम आ रही है, 2-3 दिन में स्टॉक की मोमेंटम कैसी है। वॉल्यूम्स के साथ अगर मोमेंटम आती है, कम से कम 2-3 दिन में 5-7-15% मोमेंटम करता है, तो कहीं जाके होता है कि भाई स्टॉक में आगे चल के और मोमेंटम आ सकती है।
आई बात समझ में? तो अगर G20 में कुछ भी हो, आपके कोई ABC वीडियो देख ले, आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक में एंट्री करना चाहिए, तो बिल्कुल भी मत करना, पहले स्टॉक के मोमेंटम ट्रेस करना। ये बात क्लियर हो गई? तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी के लिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी को डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, हाँ, लेकिन पहले ट्रेस करो अभी के लिए सिर्फ। सेकेंड मुद्दा आ जाता है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मे भी शायद ये मंडे को डिराइव कर सकता है, वो है इथेनॉल ब्लेंडिंग को। ठीक है, अब मोदी जी ने यहाँ पे क्या रखा है, तो मोदी जी ने एक प्रपोजल रखा है कि ग्लोबल लेवल तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जानी चाहिए। यानी कि मान लो पेट्रोल में अभी जो इथेनॉल 10-20% इंक्लूड किया जा रहा है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल लेवल तक जाना चाहिए, ताकि क्रूड ऑयल का जो डिमांड बोलते हैं ना कि डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत कम हो, थोड़ी बहुत उनका भी पैसा बचे। ठीक है, तो ये ग्लोबल लेवल तक ले जानी चाहिए। ओके, तो इससे बेनिफिट किसको मिलेगा? तो इससे बेनिफिट मिलेगा इथेनॉल प्रोडक्शन कंपनीज को। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंडिया में प्रोडक्शन होती है, हाँ इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक बेनिफिट इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऐसी कंपनीज को मिल सकता है, EID पेरी, रेणुका शुगर वगैरह को मिल सकता है। अगर आप EID पेरी को देखो यहाँ पे, तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि भाई वो कंपनी एंगेज है शुगर में, न्यूट्रासिटिकल्स में और इथेनॉल प्रोडक्शन में। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज जो इथेनॉल के साथ कनेक्टेड है, मोदी जी यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो इसको एक बार मंडे को रडार पे जरूर रखना चाहिए। हालांकि वापस बोलना चाहूँगा एंट्री नहीं, सिर्फ वॉल्यूम्स देखो, बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, बड़े प्लेयर्स क्या एंट्री सस्टेन कर रहे हैं, ये देखो। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा हुआ ग्लोबल लेवल पे और डिमांड बढ़ी, तो स्टॉक देखो, स्टॉक की चार्ट पैटर्न ही आपको बता देगी भाई बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री किए हैं। ठीक है, तो अभी मंडे को देखना, दो तीन दिन स्टॉक को फॉलो करना, क्या मोमेंटम आ रही है, क्या सस्टेन कर रहा है स्टॉक, ऊपर जाने के बाद फॉल तो नहीं कर रहा, बस उतना आप देख लेना, बाकी आप समझ जाओगे। क्लियर, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में इथेनॉल स्टॉक्स यानी कि शुगर स्टॉक्स को आपको रडार पे रखना चाहिए। तो दो सेक्टर हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इथेनॉल स्टॉक्स। अब आता है तीसरा पॉइंट। अब देखो यहाँ पे G20 में एक चीज फाइनलाइज हुई है, बात करने चाहिए फाइनलाइज की, ठीक है, यहाँ पे कुछ बात हो रही है। तो इसमें US, इंडिया, UAE, सऊदी, ठीक है, मिडल ईस्ट, यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाई जा रही है। कॉरिडोर यानी कि बोलते हैं ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ईजी बनाने के लिए, ईजी वे बनाने के लिए एक कॉरिडोर बनाई जा रही है, और वो भी रेलवे की। ठीक है, आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं, द प्लान इज टू क्रिएट इकोनॉमिक कॉरिडोर दैट लिंक मिडल ईस्टर्न कंट्रीज थ्रू रेल लिंक यानी कि रेलवे नेटवर्क। तो अगर रेलवे नेटवर्क होता है तो रेलवे कंपनीज भी होती है। ठीक है, तो रेलवे कंपनीज हो गई, शिपिंग कंपनीज हो गई, वो सभी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कि आप यहाँ पे RVNL ले लो जो कोचेस बनाती है, ठीक है, टीटागढ़ वैगन्स हो गया, JWL स्टॉक हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स है। ठीक है, तो रेल कंपनीज को भी आपको रडार पे रखना चाहिए। और अगर आप फ्राइडे देखोगे तो RVNL स्टॉक यहाँ पे फ्राइडे को आप बोल सकते हैं कि 52 हाई पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये सभी चीजें भी आपको फोकस करनी चाहिए जो यहां पे न्यूज में आ रही है। क्लियर, तो ये हो गया तीसरा सेक्टर, रेलवे सेक्टर। तो मेंबर्स बस इतना ही था अभी के लिए, यहां पे G20 मीट में इतना अपडेट हुआ है जो मैंने आप तक पहुंचाना था। शॉर्ट एंड सिंपल मैं वापस बोलना चाहूंगा, स्टॉक को सिर्फ रडार पे रखो, EID पेरी, रेणुका शुगर, अदानी ग्रीन या अदानी एंटरप्राइज, ठीक है, जितने भी ये रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड स्टॉक्स, अदानी ग्रुप हो गया, रिलायंस हो गया, उसको भी रडार पे रखना चाहिए, और रेलवे स्टॉक्स तो अभी भी रडार पे है ही। क्लियर, बात समझ में? तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, छोटा सा था, इंटरेस्टिंग था, और आपको समझाने की कोशिश मैंने पूरी की है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, माई स्टॉक मार्केट फंडा को भूलना नहीं, ठीक है, और टेलीग्राम में नहीं है, जाके सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा टेलीग्राम के अंदर, और दूसरे भी वीडियोस रखे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव जो आपके काम आ सकता है मार्केट को समझने के लिए इजी लैंग्वेज में, जो कोई और नहीं बनाता ऐसे वीडियोस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।